तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत। रेवाड़ी पुलिस शराब का अवैध कारोबार करने वाले शराब माफियाओं पर इन दिनों काफी हद तक स्टिक बैठ रही है, क्योंकि रेवाड़ी पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए पिछले एक महीने में 2.5 करोड़ से अधिक की अवैध शराब पकड़कर शराब माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं। इसी कड़ी में बीती रात थाना मॉडल टाउन पुलिस ने ब्रास मार्केट से चालक सहित 506 शराब की पेटियों से भरा एक ट्रक काबू कर लिया, जो नारनौल से बिहार ले जाया जा रहा था। जांच अधिकारी के अनुसार बीती रात इन्हें गुप्त सूचना मिली कि नारनौल की ओर से शराब से भरा एक ट्रक रेवाड़ी की ओर जा रहा है। बैरिकेटिंग कर रेवाड़ी नारनौल पर जब वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी एक ट्रक चालक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिसका कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उसे काबू कर लिया गया। चेकिंग में ट्रक से 506 पेटियां अंग्रेजी शराब की पकड़ी गई, जो नारनौल से बिहार ले जाई जा रही थी। मामला दर्ज कर चालक से पूछताछ की जा रही है। हम जस्ट पेट्रोलिंग बचे, हमें सूचना मिली कि एक ट्रक जिसमें शराब होने की शंका है, वो नाईवाले की तरफ से आने की संभावना है। जिस सूचना पर मैंने सही मैं साथी मुलाजमान के भाड़ावास चौक पर नाकाबंदी शुरू की। कुछ ही समय पश्चात, जब जैसे हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, कुछ समय पश्चात एक ट्रक नाईवाले की तरफ से आता दिखाई दिया, जिसको मैंने सही ने टॉर्च के हिसाब से रुकने का इशारा किया। जो ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को बड़ी तेज रफ्तार से चलाकर साइड मारते हुए मुलाजिमों के साइड कट मारते हुए ब्रह्मगढ़ के समारोह स्थल की तरफ भगा ले गए। मैंने सही ने उसका पीछा किया, तो जैसे ब्रास मार्केट कट की तरफ ट्रक को घुमा दिया। वहां चलने के उपरांत मनीष सही ने ट्रक को करीबन 20-25 कदम चलने के बाद ट्रक को काबू किया, पकड़ा और ड्राइवर को काबू किया। तथा ड्राइवर ने अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम दलबीर जम्मू का रहने वाला बताया। ये शराब कहाँ से कहाँ जा रही है? नारनौल से भर के चल गया था। कितनी पेटियां थी टोटल? टोटल पेटियां सुबह गिनने पर, रात को समय गैर था, रात को हमने चेक किया तो उसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। सर रात को नहीं, सुबह हमने गिनी तो कुल 506 पेटियां बरामद हुई थी। कौन सा ब्रांड है ये? है जी, ब्रांड है जो क्या बोलते हैं, स्टॉप है, कोशी ब्लू बोलते हैं, ऑफिसर चॉइस ब्लू, ऑफिसर चॉइस ब्लू। तो शुरुआत में सामने आया कि किसकी शराब थी? नहीं, अभी मेरे सामने नहीं है।